नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने दो संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और दोनों से ही पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। इससे पहले पुलिस ने खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को हिरासत में लिया था। दरभंगा के डीआईजी बाबूराम ने दावा किया है कि जितन सहनी हत्याकांड का खुलासा बहुत जल्द ही कर लिया जाएगा। पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं। घटनास्थल पर कमरे में तीन खाली ग्लास मिले हैं। अगर एक ग्लास मृतक का है तो दो ग्लास किसके हैं? इस सवाल का जवाब भी खोजा जा रहा है। तीनों खाली ग्लास को पुलिस महत्वपूर्ण संकेत भी मान रही है। जितन सहनी के घर के पीछे लाल बक्सा भी मिला है, साथ ही फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। जितन सहनी हत्याकांड में पल पल का अपडेट सामने आ रहा है और जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पुलिस हत्यारों के करीब पहुंचने का दावा कर रही है। पुलिस के हाथ अब तक कई सबूत लगे हैं। FSL, SIT और टेक्निकल टीम लगातार जांच कर रही है। दरभंगा की ग्रामीण SP काम्या मिश्रा SIT को लीड कर रही हैं। काम्या मिश्रा ने बताया है कि पुलिस को जांच में कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। हर एक एंगल से जांच जारी है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। काम्या मिश्रा ने कहा कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। घटनास्थल से पुलिस को कई अहम सबूत भी हासिल हुए हैं। हत्या के पीछे पैसे को लेकर आ रही बात पर भी काम्या मिश्रा ने कहा है कि सभी पहलू पर जांच की जा रही है और बहुत जल्द पुलिस नतीजे पर पहुंच जाएगी। पूरे एविडेंसेस नहीं आ जाते हमारे सामने तब तक हम आपको कमिट करके नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग जी देखिए अब जितना भी अभी जो भी है जितने सारे लोगों से भी पूछताछ चल रही है और जब तक पूछताछ करके अगर हमें प्रॉपरली जब उसके बेसिस में हमें एविडेंसेस और रिकवरी नहीं होती तब तक मैं अभी आपको कुछ भी उस तरीके साक्ष इनकार भी नहीं कर रहे। अभी हम आपको एक्सेप्ट भी नहीं करके बता रहे कि चोरी की। देखिए सारे एंगलों पर बात करें, सारे एंगलों पर जांच चल रही है। जैसा कि आप प्लीज थोड़ा एक्सेंस जैसा कि आप लोग को सारे चीजों में आप लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि अगर कुछ अगर आपसे अगर लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। कई मिले देखिए अगर पैसे इंटरेस्ट पे लेते थे या नहीं लेते थे वो सारे चीजों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे जो की बात सामने आ रही है सारी चीजों को हम लोग जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे शराब शराब पीने की बात आई है काम्या जी, ये हो रहा है कि रोज वहाँ खाना पीना चलता था। देखिए सारे चीजों का जो है एविडेंस जितने भी आ रहे हैं आप लोग के PC के माध्यम से आप लोग को सब अपडेट कर दिया। कितने महत्वपूर्ण मिले हैं आपको? कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। हमारे साथ DIG बाबूराम सर है, मिथिलापुर क्षेत्र के बाबूराम है सर, आए हुए हैं घटनास्थल पर। सर आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं सर, क्या देखा? और जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को निवेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर आपने अंदर जाके देखा क्या स्थिति थी? क्या आपने तीन बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरे में तीन खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। चूंकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग है वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। चूंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही सर उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम मामले को उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्य में चोरी की बात आई थी उसको लेकर DIG सर ने बड़े ही News 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। News 18 विपिन कुमार दरभंगा।
क्या शक है किसी पे? क्या डाउट है? शक संदेह भी नहीं है मेरे मुझे किसी पे पर, लेकिन अभी मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हम बाहर थे, बाहर से अभी जस्ट पटना दरभंगा पहुंचे, दरभंगा से बॉडी लेकर आए। शुरुआती जो भी जानकारी पुलिस से मिली है, क्या मिली है? पुलिस से भी मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। चोरी की बात आ रही है या दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है? नहीं नहीं ऐसा, वो लोग तो बताया कि चोरी का भी मामला है, लेकिन अभी क्या गया नहीं गया वो भी हमको भी जब जानकारी नहीं है। पापा क्या वहाँ पे रोज बैठते थे? नहीं, काम करने वाले रहते थे, शाम तक चले जाते थे लोग। संतोष जी, आपके पापा वहाँ रोज बैठते थे? कहा जा रहा है कि पैसे का भी कुछ लेन देन करते थे लोगों के साथ वो? नहीं, उतना नहीं बात आई है सामने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और देखिए, पिता की हत्या पर मुकेश सहनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। पटना पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इंसाफ का भरोसा दिया है। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिता की हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। तो देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जब पटना पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत हुई है और इंसाफ का भरोसा मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दिया है। और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर लिया जाएगा। और इसी से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर दरभंगा से बता दें, आज ही मुकेश सहनी के पिता का अंतिम संस्कार होने वाला है। शाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरभंगा पहुंच रहे हैं मुकेश सहनी, पटना से दरभंगा के लिए वो रवाना भी हो चुके हैं। और आपको बता दें कि मुकेश सहनी को जैसे ही हत्या की खबर मिली उसके बाद सीधे वो पटना पहुंचे और अब से कुछ ही देर के बाद वो दरभंगा पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता का अंतिम संस्कार आज ही होने वाला है, शाम में अंतिम संस्कार किया जाना है। तो वही मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अब सियासत काफी तेजी से जारी है। तेजस्वी यादव ने हत्या पर दुख तो जताया लेकिन साथ ही साथ नीतीश सरकार पर हमला भी बोला है। प्रदेश में आतंक राज है, तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा और उनकी तरफ से कहा गया कि अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी की भी हत्या कर दी जा रही है, एनडीए सच्चाई नहीं स्वीकार कर रही है। साथ ही घिसा पिटा डायलॉग सुशासन राज का दिया जा रहा है। तो ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। हत्या की खबर को उन्होंने पीड़ादायक बताया और साथ ही राहुल गांधी ने इसे लेकर संवेदना भी जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में और उन्होंने इस हत्या की खबर को बेहद ही पीड़ादायक बताया और साथ ही साथ उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की। राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को लेकर संवेदना व्यक्त की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक, बिहार के पूर्व मंत्री और इंडिया के हमारे साथी मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की निर्मम हत्या का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मुकेश जी और उनके समस्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस निंदनीय अपराध की कड़ी भर्त्सना भी करता हूं। बिहार सरकार से अपेक्षा है कि वो तुरंत कार्रवाई कर हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाए और सहनी परिवार को न्याय दिलवाया जाए। तो अब लगातार एक के बाद एक पोस्ट भी सामने आ रहे हैं और अभी आप बता दें कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया और साथ ही साथ ये अपेक्षा की है बिहार सरकार से कि तुरंत कार्रवाई कर कड़ी सजा हत्यारों को दिलवाई जाए। तो मुकेश सहनी की पिता के हत्या के बाद मुकेश सहनी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। मुकेश सहनी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी। पिताजी को इतनी क्रूरता से
मारा गया की शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका जो पोस्ट है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये देखिए मुकेश सैनी ने आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी की बेरहमी से अपराधियों ने हत्या कर दी। पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। ये घटना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और असहनीय है। हमारी आत्मा रो रही है। निषाद समाज के लिए ये एक काला दिवस होगा लेकिन ये हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पूरी घटना का उद्भेदन करे, खुलासा करे और जो दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ये पोस्ट है उनका और देखिए उन्होंने आगे लिखा है कि आज शाम 7 बजे दरभंगा जिले के सुपौल बिरौल बाजार में दाह संस्कार कार्यक्रम होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज शाम ही मुकेश सैनी के पिता का अंतिम संस्कार किया जाना है और इसके लिए मुकेश सैनी दरभंगा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। जब वो पटना पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करके दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और आज शाम ही अंतिम संस्कार किया जाना है। तो मुकेश सैनी के पिता की हत्या मामले पर जहां एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत काफी गर्म है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा का नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। रोहित सिंह ने कहा कि वे लोग इस विपत्ति में मुकेश सहनी के परिवार के साथ हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या के समाचार से मन व्यथित है। हम इस पूरी घटना की निंदा करते हैं। मुकेश जी के साथ हमारी सद्भावना है। इस विपत्ति में युवा चेतना संगठन मुकेश जी और उनके परिवार और उनके दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ है। हम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि अविलंब दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने भी मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर दुख जताया है। चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार से पूरे मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए मुकेश सहनी जी के पिता की जो हत्या हुई है, इस हत्या को जो रंग देने का प्रयास किया जा रहा है कि यह चोरी करने हुए आए हुए लोगों चोरों के द्वारा यह हत्या की गई है, या ऐसा मुझे तो विश्वास नहीं है। इसलिए क्योंकि कोई भी चोर इस तरह से निर्मम हत्या नहीं कर सकता है। ये हत्या साजिशतन भी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूं। और साथ साथ यह अति पिछड़ा पर लगातार जो अति पिछड़ा की हत्या हो रही है, सरकार इसको संज्ञान में ले, अन्यथा अति पिछड़ा समाज आने वाले समय में किसी भी स्तर पर बढ़ते आगे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पिकअप और स्कूली बच्चों को लेकर जा रही ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में बच्चों की मौत हो गई है। 10 से 15 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस हादसे में 2 बच्चे की मौत की पुष्टि की गई है। हादसे से गुस्साए लोगों ने पिकअप वैन में आग लगाकर जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तभी भीड़ बेकाबू हो गई। चारों ओर से पथराव होने लगा। उग्र भीड़ ने जवानों से भी हाथापाई की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस एक्शन में आ गई है
और ये घटनास्थल से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस की टीम मौके पर मामले को सुलझाने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित थे और ग्रामीणों की तरफ से जवानों पर ही पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी गई। और देखिए किस तरीके से जवान जो वहां पर मौजूद हैं उन्हें खदेड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी जवाब में सभी लोगों को मौके से खदेड़ने की कोशिश की गई और बताया जा रहा है कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 7 लोगों को हिरासत में लिया है और कई सारे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें जब टक्कर हुई तो उसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, मौके पर पहुंचकर कई सारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हंगामा करते हुए नजर आए और जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन उससे भी ग्रामीण उलझ गए। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑटो की तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही वो ऑटो है जिस पर सवार होकर बच्चे स्कूल जा रहे थे, जिसकी टक्कर पिकअप वैन से हो गई और मौके से जब पिकअप वैन का ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त ग्रामीणों ने पिकअप में आग लगा दी। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण है वो उलझ गए थे और आनंद फानंद में पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया। आप भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, आक्रोशित भीड़ देखिए किस तरीके से एक एक करके जो वाहन वहां पर मौजूद थे, गाड़ियां मौजूद थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया, पथराव किए गए। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची मोर्चा संभालने के लिए तो पुलिस से भी भीड़ उलझ गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी उससे भी भीड़ जो है उलझ जाती है। पुलिस वहां पर कंट्रोल करने के लिए पहुंची है, ऐसे में पुलिस का जवान आप देखिए पिस्टल हाथ में जरूर निकालता है, लेकिन जो भीड़ है वो पत्थरबाजी करना शुरू कर देती है और इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं। दिया और उसके बाद प्रशासन आया तो लड़का के जो लड़का पिटा है स्पॉट पर है उसका बाप को प्रशासन पीटने लगा, काहे पीटा लगा, क्या डेथ हुआ बच्चा, एक डेथ हुआ स्पॉट में और अभी सब बाकी एकदम। अभी करीब 1.5 घंटा पहले यहाँ बाईपास रोड पे एक पिकअप गाड़ी और स्कूल का एक ऑटो था उसमें एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 बच्चा स्कूल वाला वो स्पॉट डेड कर गया और डेड बॉडी को हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा दिया। उसके बाद ये जाटा गांव उसके आसपास के गांव वाले काफ़ी उग्र हो गए थे और इनको काफ़ी देर से समझाने का प्रयास किया जा रहा था और नहीं मानने पर इनके द्वारा जो है पुलिस की 3-4 गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दिया गया। हमारे बी डी ओ साहब आए थे वो भी समझा रहे थे, उनकी भी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया है। अभी भीड़ को तो फिलहाल तितर बितर कर दिया गया है। अभी जैसा एसपी साहब ने बताया कि 1.5 घंटा पहले की घटना है, तो बच्चे मेन रोड पे थे और ऑटो में थे और पिकअप वैन से एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्य है कि उनका डेथ हो गया। हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से दुखद घटना है, लेकिन इस घटना के पीछे अगर किसी को इस घटना का वो गलत इस्तेमाल करे तो वो प्रॉपर ठीक नहीं है। अभी बहुत सारी गाड़ियों में आग लगा दिया गया, वो पथराव किया गया, ये कतई उचित नहीं है। और यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों के पैर में बिहार के हाजीपुर के जूते, सुनकर आप भी चौंक गए होंगे लेकिन ये सच है। हाजीपुर की एक कंपनी बड़े पैमाने में ऐसे जूतों का निर्माण और निर्यात कर रही है जो रूसी सैनिकों की पहली पसंद बनी हुई है। बिहार के हाजीपुर में जूतों की फैक्ट्री में काम करते कारीगर अपनी कुशलता दिखा रहे हैं। कहने को तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बावजूद इसके हर कोशिश खुद को आगे और बस आगे करने की है। आप सुनकर चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यही जूते रूस की आर्मी पहनती है। हाजीपुर जिले की कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट कंपनी यूरोपीय बाजार के लिए सेफ्टी शू बनाती है। 2018 में शुरू हुई इस कंपनी ने बीते साल 100 करोड़ रुपए में ऐसे 15 लाख जोड़ी जूते निर्यात किए हैं। हालांकि कंपनी अपने तय लक्ष्य में 50% से अधिक की बढ़ोतरी करना चाहती है। लेडीज को, वुमेन्स को हम लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे और नियरली 70% जो है हम लोग का यहाँ पर लेडीज एम्प्लॉयमेंट हम लोग दिए जा रहे। एट प्रेजेंट जो है हम लोग टोटल एक्सपोर्ट जो है रशिया के लिए करते हैं 100%। इसके अलावा हम लोग अभी यूरोपियन मार्केट्स में भी जा रहे, एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में भी हम लोग अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे।
कंपनी के जनरल मैनेजर शिवकुमार बताते हैं कि कंपनी में बने जूते ज्यादातर रूस भेजे जाते हैं। रूसी सेना इसी का इस्तेमाल करती है और इन जूतों की खासियत भी है कि ये पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में फिसलते नहीं और तो और -40 डिग्री तापमान में भी ये पूरी तरह से कारगर है। फैक्ट्री में करीब 300 कर्मचारी हैं जिनमें 70% महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है। My main core thing is the development of the new products, the fashion products, and marketing the same into the European markets. Our core strength in the market is France, Italy, Spain, and United Kingdom. स्थानीय लोगों को इस काम से सफल बनाने में मदद मिल रही है। बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगा रोजगार, तो बढ़ेगा बिहार। और तो और भारत और रूस के मजबूत रिश्तों को ये और भी मजबूती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हाजीपुर में जहां रूसी सैनिकों के लिए जूते बन रहे हैं, हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। जिस जूते को दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक है जो पहनते हैं, और जिस जूते को पहनकर रशिया ने यूक्रेन पर लगातार हमला किया है और लगातार यूक्रेन पर जो है वो भारी पड़ रही है, वो जूता दरअसल जो है वो हाजीपुर में बन रहा है। कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाना चलाती है और इसी कारखाने में वो जूते जो है वो बन रहे हैं। सेफ्टी शू यहाँ बनाए जाते हैं और उसी सेफ्टी शू के तहत रशिया को यहाँ से उन जूतों की सप्लाई हो रही है, जो जूते पहनकर रशियन सैनिक जो है वो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पीछे ये पूरा कारखाना है और कारखाने में किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए पूरा से यहाँ पे हर तरह का, और ये तीन सेक्शन इसका बना हुआ है। यहाँ पे लेदर की कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद इसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चर जो जूते बनाए जाते हैं उधर जाती है और उधर जाने के बाद जो है जूते को तैयार किया जाता है और यहाँ से तैयार होने के बाद रशिया जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हाजीपुर जो है ये एक हाजीपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के बने जूते जो हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं और दूसरे देश के जो सैनिक हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।